अस्सलाम वालेकुम, अली अक्जम में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा समोसा। तो चलिए हम बनाते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले रख दी हूँ 3 से 4 टेबलस्पून करीब मस्टर्ड ऑयल गर्म होने के लिए। और इसमें मैं सबसे पहले आधा प्याज काट के डाल दूँगी। इसे हमें ब्राउन कलर तक करना है। और जब तक हमारा प्याज ब्राउन कलर हो रहा है तब तक हम चलिए मसाले देख लेते हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून करीब नमक, 1/2 टेबलस्पून करीब लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून करीब काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून करीब ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून मीट मसाला और 1 टेबलस्पून करीब गरम मसाला पाउडर है। तो चलिए हम प्याज देख लेते हैं। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन कलर हो गई है। और अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। मसालों को हमें 1 मिनट के लिए पकाना है। और अब मैं इसमें 3 बड़े प्याज काट के डाल रही हूँ। और ये 250 ग्राम के करीब मटन का कीमा है। और अब मैं इसे चलाऊंगी अच्छे से। कीमा को हमें मसालों में अच्छे से भूनना है। दो हरी मिर्च काट के डाल रही हूँ। देखिए कीमा में से पानी छूट गया है, लेकिन पानी को इस कीमा को हमें तब तक पकाने देते हैं इसका पानी ना सूख जाए। हम ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलिए 15 मिनट हो गया, अब हम देखते हैं कीमा हमारा क्या है। देखिए पानी हल्का था, ख़त्म हो गया इसका। अभी हमें और इसे पकाना है। यहाँ पे देखिए पूरा पानी इसका सूख गया है, अच्छे से भुन गया है ये। और इसमें मैं 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर भी डाली हूँ, दिखाना भूल गई। देखिए कीमा हमारा बिल्कुल अच्छे से भुन गया। और मैं इसमें धनिया पत्ता काट के डाल दूँगी। और 1/2 नींबू में नींबू का रस इसमें डाल दूँगी। और अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए कीमा हमारा तैयार है। अब हम आटा लगा लेते हैं। मैदा लिया है मैंने, इसमें 1/2 टेबलस्पून करीब नमक डालूंगी, थोड़ा सा कलौंजी मंगरेला और 3 से 4 टेबलस्पून करीब रिफाइंड ऑयल। अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे। अब पानी से इसे हम गूंद लेंगे। ये देखिए आटा हमारा लग गया है। हम चलिए बेल लेते हैं।
छोटे छोटे पूरी के टाइप का बेलना है हमें इसे। इस तरीके से बीच में हम कीमा डालेंगे और दोनों साइड को अच्छे से बंद करेंगे और फिर अब इसे हम मोड़ेंगे। ये देखिए एक कीमा समोसा तैयार है हमारा। इसी तरीके से हम दूसरे को भी हम करेंगे। पहले इसके मुंह बंद करेंगे उंगली से दबा दबा करके और फिर अभी इसे हम मोड़ देंगे। थोड़ा डिज़ाइन भी आ जाता है इसका तो अच्छा लगता है वो। तो देखिए यहाँ पे फ़िलहाल मैंने 4 समोसे बनाए। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। तेल मैंने रख दिया था पहले से ही गर्म होने के लिए। मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए इसका गोल्डन कलर आ गया है। बस लाइट गोल्डन कलर तक हम इसे फ्राई करना है, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करना। ये दूसरा भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो यही है मेरी छोटी सी रेसिपी कीमा समोसा की। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई हो। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दुआ में याद रखें। ये देखिए सारे कीमा समोसा मैंने बना लिए हैं। अल्लाह हाफिज़।